हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा और आज हम बात करने वाले हैं नीट पीजी 2020 की। दो और स्टेट्स जिसने अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दी है, पंजाब और छत्तीसगढ़। पंजाब और छत्तीसगढ़ दोनों ही डोमिसाइल स्टेट्स हैं। छत्तीसगढ़ कंप्लीटली डोमिसाइल स्टेट है और पंजाब पार्शली डोमिसाइल स्टेट है। कंप्लीटली डोमिसाइल स्टेट्स का मतलब है जितने भी कॉलेजेस हैं छत्तीसगढ़ में, वो सारे के सारे जो कॉलेजेस हैं उनके लिए काउंसलिंग सिर्फ डोमिसाइल स्टूडेंट्स ही अटेंड कर सकते हैं। वहीं पंजाब की बात करें तो पंजाब, जैसा मैंने बताया कि पार्शली डोमिसाइल स्टेट है, का कहने का मतलब है कि पंजाब में दो कॉलेजेस हैं जिसके लिए नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, मगर बाकी की जो रेस्ट ऑफ ऑल द कॉलेजेस हैं उनके उन कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग अटेंड सिर्फ डोमिसाइल स्टूडेंट्स ही कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कि इन दोनों स्टेट्स की जो रजिस्ट्रेशन है वो कब से स्टार्ट होने वाली है और इनकी इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं और इन्फॉर्मेशन ब्राउजर को लेकर के क्या अपडेट्स है वो देख लेते हैं। पंजाब की सबसे पहले बात करें तो पंजाब की ऑफिशियल वेबसाइट है www.bfuhs.ac.in। इस पोर्टल पर जाकर के आपको अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। अगर आप पंजाब की ऑनलाइन काउंसलिंग को अटेंड करना चाहते हैं तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है, ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन 4th ऑफ मार्च 2020 से स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 20th ऑफ मार्च 2020 है। जैसे मैंने बताया कि पंजाब एक पार्शली नॉन डोमिसाइल स्टेट है, मतलब पार्शली ओपन स्टेट है। दो कॉलेज हैं पंजाब में जिसके लिए जो ओपन टू ऑल हैं, वो है डीएमसी लुधियाना और आदेश मेडिकल कॉलेज। इन दोनों कॉलेजेस के लिए अगर आप काउंसलिंग अटेंड करना चाहते हैं और सीट मिलने पर एडमिशन पाना चाहते हैं तो आप नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट भी हो तो आप पंजाब के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, कराना चाहिए। इन्फॉर्मेशन ब्राउशर की बात करें तो पंजाब की इन्फॉर्मेशन ब्राउशर अभी फिलहाल जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक नहीं आई है। हालांकि शाम तक चांसेस है कि जो पंजाब की इन्फॉर्मेशन ब्राउशर है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.bfuhs.ac.in पर पब्लिश कर दी जाएगी, जिसमें सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। अगली स्टेट जो है वो है छत्तीसगढ़, जो कि कम्प्लीटली डोमिसाइल स्टेट है जिसमें नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते। तो छत्तीसगढ़ एक क्लोज स्टेट है और छत्तीसगढ़ की रजिस्ट्रेशन 3rd ऑफ मार्च 2020 से स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 18th ऑफ मार्च 2020 रखी गई है। छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए छत्तीसगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट www.cgdme.co.in पर जाकर के आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीटली ऑनलाइन है और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सभी स्टूडेंट्स को 2000 रुपीज की पेमेंट करनी होगी। छत्तीसगढ़ की एक और न्यू कॉलेज इस बार ऐड की गई है, प्राइवेट कॉलेज ऐड की गई है, मगर उस कॉलेज में क्लिनिकल ब्रांचेस नहीं आए हैं, नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस ही आए हैं। तो इस बात को भी आप ध्यान रख लें कि वो जो कॉलेज है श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इस कॉलेज को भी इस बार पीजी की सीट्स दी गई हैं और जो सीट्स दी गई हैं वो फिलहाल नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस की हैं। क्लिनिकल ब्रांचेस की सीट्स इस कॉलेज में अभी फिलहाल नहीं दी गई है। तो ये जो अपडेट थी वो छत्तीसगढ़ और पंजाब की, वो 3rd ऑफ मार्च 2020 को आई है। अगर आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं और आप छत्तीसगढ़ या पंजाब से बिलोंग करते हैं या पंजाब की काउंसलिंग को अटेंड करना चाहते हैं तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इन दोनों के लिए मैंने जो बात आपको बताई कि इन्फॉर्मेशन ब्राउशर अभी फिलहाल पब्लिश नहीं की गई है, तो इन्फॉर्मेशन ब्राउशर आपको मोस्ट प्रोबेबली आज 5th ऑफ मार्च 2020 शाम तक में दोनों की आ जानी चाहिए। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ मैं गुलशन झा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट्स हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए इंक्वायरी फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन को पोस्ट कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। और दूसरी बात कि जब आप उस फॉर्म को फिलअप करते हैं तो हमारे एसोसिएट्स आपसे कॉल करके आपसे बात कर लेंगे और आपकी जो भी डाउट्स हैं उन्हें क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।